इंग्लैंड के मुख्य तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने गुरुवार से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट से पहले टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली को खुली चुनौती दे डाली है। एंडरसन ने कोहली को एजबेस्टन में खेले गए पहले टेस्ट में काफी परेशान किया था, लेकिन वो उनका विकेट लेने में कामयाब नहीं हुए थे। कोहली ने इस मैच में कुल 200 रन बनाए, लेकिन टीम इंडिया ये मुकाबला 31 रनों से हार गई थी। बता दें कि 2014 में एंडरसन ने कोहली को कई बार गेंदबाज कहा कि वो नई ट्रिक अपनाकर कोहली को लॉर्ड्स में खूब परेशान करेंगे। एंडरसन ने अपने कॉलम में लिखा, विराट को गेंदबाजी करते समय मुझे काफी अच्छा लगा और मेरी योजनाएं कारगर रही। मैं उन्हें कई बार आउट कर सकता था, उनका कैच भी मेरी गेंद पर टपकाया गया। मुझे लगा कि पहली पारी में कोहली दबाव द्वारा बनाए गए 149 रन से मेरी गेंदों पर केवल 17 रन बने, मगर सच्चाई यह है कि मुझे उनका विकेट नहीं मिला। एंडरसन ने आगे लिखा कि विराट ने मैच में पहली पारी में शतक जबकि दूसरी में अर्धशतक जमाया था, जो कि मैं उनका विकेट नहीं ले सका। अब लॉर्ड्स में मेरा पूरा ध्यान उन्हें खूब परेशान करने और उन्हें आउट करने पर रहेगा। बता दें कि एंडरसन की गेंद पर डेविड मलान ने कोहली का कैच छोड़ा था, तब भारतीय कप्तान 21 रन बनाकर खेल रहे थे। एंडरसन ने हालांकि ये भी बताया कि वो विराट कोहली की काफी इज्जत करते हैं। उन्होंने अपने कॉलम में लिखा कि मेरे और कोहली के बीच कड़ी प्रतिद्वंद्विता जरूर है, लेकिन हम एक दूसरे की काफी इज्जत करते हैं। नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स डेस्क की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।